मैंने मोदी जी को कहा प्रधानमंत्री जी मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप इतने बड़े आदमी हो, प्रधानमंत्री हो, इतना पैसा आपके पास, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। मैं आपको बताने लग रहा हूँ, काफी दिन से कह रहा हूँ, अब की बार बादशाहपुर की सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी 100% पक्का। पार्टी की सरकार बनने जाए, सरकार हमारे बिना बनेगी नहीं, अभी बता देता हूँ, और ये जितने वायदे जो अपने सत्ता से किए सारे पूरे भी करवाएंगे। पानी की समस्या बहुत भारी है, स्कूल की समस्या बहुत भारी है, तो आप सरकारी स्कूल देखोगे सारे बर्बाद ही कर दिए, बस गेड़े का स्कूल तोड़ के डाल रखा, बुढ़ेड़े का स्कूल तोड़ के डाल रखा, तो बनाने का नाम नहीं लेते। हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर में आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जमकर गरजे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा कांग्रेस पर जहां निशान साधा तो वहीं आम आदमी पार्टी के बादशाहपुर से प्रत्याशी बीरू सरपंच के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए। इस रैली में भारी संख्या में बादशाहपुर क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे, तो वहीं बीरू सरपंच ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में बिना आम आदमी पार्टी के सरकार नहीं बनेगी। देखो ये अरविंद जी का प्यार है, इसलिए पूरे गुड़गावा की जो जनता है, बादशाहपुर की जो जनता है, उनके विश्वास करती है, उनके विचार सुनने के लिए आई थी। अब की बार मैं आपको बताने लग रहा हूँ, काफी दिन से कह रहा हूँ, अब की बार बादशाहपुर की सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी 100% पक्का। जितने भी वायदे करके गए अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब में भी किए थे, हरियाणा में, दिल्ली में भी जो किए थे, वे आज हरियाणा के अंदर करने लग रहे हैं। और हमारी पार्टी की सबसे बड़ी ईमानदारी ये है, अब जितने भी वायदे करते पहले 6 महीने की सरकार बनते पहले 6 महीने के अंदर सबको पूरा कर देते। तो कहा जा सकता है इस बार का एहतराम है बादशाहपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही, सरकार हमारे बिना बनेगी नहीं, अभी बता देता हूँ, और ये जितने वायदे जो हमने सत्ता से किए सारे पूरे भी करवाएंगे। वहीं बीरू सरपंच ने कहा कि समाज में काम करने की उनकी परंपरा पुरानी है, अगर आपकी सरकार बनती है तो आपके काम एक फोन पर पूरे होंगे, आपके सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। हम गुरुग्राम व हरियाणा में वैसी व्यवस्था बनाएंगे जैसे दिल्ली पंजाब में आप सरकार ने बनाई है। बच्चों को शिक्षा के लिए अच्छे सरकारी स्कूल देंगे और बीमार मरीज को इलाज के लिए दिल्ली रोहतक या निजी अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था करेंगे। अभी कौन कौन से वादे, क्योंकि सड़कों के लिए बात की जा रही, सर्विस के लिए, कॉलोनी मोहल्ले के लिए की बात की जा रही थी। देखो देखो गुड़गांव के अंदर बहुत सारी समस्या है, आप देखो कूड़े की समस्या बहुत भारी है, पानी की समस्या बहुत भारी है, स्कूल की समस्या बहुत भारी है, जो आप सरकारी स्कूल देखोगे सारे बर्बाद ही कर दिए, बस गेड़े का स्कूल तोड़ के डाल रखा, बुढ़ेड़े का स्कूल तोड़ के डाल रखा, तो बनाने का नाम नहीं लेते। हॉस्पिटल तोड़ के डाल रखा, जो अपना मेन हॉस्पिटल था वो तोड़ के डाल दिया, उसका बनाने का नाम नहीं लेते, पार्किंग बना के छोड़ दी। तो इसका कहा जा सकता है कि वीरू जी का कहना है मास्टर प्लान तैयार है, और अगर सरकार जो आप कह रहे हैं जिस तरह से अगर बनती है तो 6 महीने में जनता को उसका असर, 6 महीने में उसका असर दिखाई दे जाएगा, भारत तो बनती दिखना शुरू हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला दूं, जनता को विश्वास दिला दूं, 5 तारीख ने झाड़ू के बटन पर दबा दबाओ, अरिंद की बार हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, जिससे कि पूरी जो गुड़गांव की जो जनता है, जो उनके जो दिया हुआ जो टैक्स का पैसा है उन्हीं के ऊपर खर्च कराने का काम करेंगे, यही बात है। 10 साल में वे कुछ नहीं कर पाए, तब तक घालेलू भावने वायदे करके ने वे चाहते हैं दोबारा जनता को ठगने का काम करें, इसलिए बादशाहपुर की जनता अब उनकी ठगी में नहीं आएगी। 10 साल उन्हें सरकार चला ली, 10 साल में गुड़गांव का बेड़ा गर्क कर दिया, आप देखोगे 5 मिनट की बारिश होती तो जल भराव इतना हो जाता, गाड़ियां तैरनी शुरू हो जाती, सारी उबाल मारते हैं, ज्यादा कोई कूड़े के ढेर पड़े हैं, मेट्रो एक कदम चली नहीं, बस अड्डा बना नहीं, स्कूल हॉस्पिटल को तोड़ के पार्किंग बना दी, जाके देखो गांव गांव के अंदर जाके देखोगे स्कूल तोड़ के छोड़ दिए, बनाने का नाम नहीं है।
तो फिर किस बात की वोट? पिछले दिनों बीरू जी नितिन गडकरी भी आए थे, उन्होंने बोला बताया कि कहते हैं उन्होंने नू तक कहते हैं मैं मेट्रो का जो है प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है, उसके बाद अब कहते हैं मुंबई एक्सप्रेस वे कर लिया है। ऐसे में अब वो कई सारे और भी काम है जिसको लेके करेंगे, और आज अमित शाह और उन्होंने भी इस बात को उनकी जो बात अखबारों में होती है अखबारों से बाहर नहीं निकलती। आपने देखा पिछली बार 10 साल से मेट्रो का प्लान रोज बना के ये डीपीआर तैयार करते हैं, वो मेट्रो उससे रहती उससे ज्यादा नहीं निकलती। लेकिन गडकरी जी आए थे गुड़गांव, उन्होंने टोल के ऊपर जिक्र नहीं किया, जो गुड़गांव का जो टोल लगा हुआ है जो 7 साल से जिसके पैसे पूरे हो चुके हैं और फिर भी उसके साथ मिलकर ने लूट पे लूट मचा रखी है, जो लोगों की जो पंडाका डालने का काम कर रखा है, तो फिर कौन भरोसा करेगा उनके ऊपर? भाई साहब एक लास्ट सवाल की अरविंद केजरीवाल आए थे, आप लोगों ने मूलभूत सुविधाओं की तो बात करती जनता के लिए, क्या कुछ ऐसे भी मास्टर प्लान आप लोगों को पहले से आगे तैयार कर रखे हैं कि जिन पर आप लोग काम करेंगे? नहीं, मूलभूत सुविधा बता तो दिया ना, गुड़गांव मूलभूत सुविधा के बात एक बात बताओ ना, सबसे पहले तो हम हॉस्पिटल की बात करेंगे जी। हॉस्पिटल 4 जोन में 4 हॉस्पिटल होने चाहिए, तो गुड़गांव की जनता को इलाज मिलना चाहिए पूरा। और दूसरी बात ये स्कूल सारे के सारे अच्छे होने चाहिए, मूलभूत ये तो हमारी जरूरतें है ना। गुड़गांव के अंदर मेडिकल कॉलेज होने चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे सरकारी में पढ़ के डॉक्टर बने, जिसके मन में एक सेवा भावना हो, अगर मैं जनता के पैसे के टैक्स जनता के टैक्स के पैसे से मैं डॉक्टर बना और मुझे सेवा करनी, मुझे व्यापार नहीं करना, इस तरह की जो चीजें जो हमारी बची हुई हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़के लोगों को वो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि हमारे आने वाले जो युवा है जो हमारे देश का भविष्य है, जो हमारा जो जीएसटी के रूप में जो हर आदमी जो टैक्स के पैसे देता, देखो पहले तो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स तो वो देता है जिसकी इनकम है, लेकिन जीएसटी वो देता है जो खाना खाता है, जो मुंह चलाता है उसी को जीएसटी देना पड़ता है। तो जीएसटी का पैसा समान है, बराबर है, वो पैसा शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर खर्च हो, इस देश के अंदर अच्छे स्कूल बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, जब जाके देश का भला हो सकता है। भाई बीरू सरपंच की माने तो गुरुग्राम में ऐसा जिला अस्पताल बनाएंगे जिसमें इलाज की सभी सुविधाएं होंगी। खेल प्रशिक्षण के लिए बच्चों को दिल्ली या अन्य प्रदेश नहीं जाना होगा, उनके लिए गुरुग्राम में सभी सुविधाएं देंगे। बहरहाल देखना यह होगा कि बादशाहपुर से कौन विजय हासिल करता है। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली के बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा ले जाता हूं, मैं बुजुर्गों को 1,00,000 बुजुर्गों को रामेश्वरम, वृंदावन, ऋषिकेश, कई जगह शिरडी बाबा, मैंने कई जगह बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री तीर्थ यात्रा कराई, आना जाना रहना खाना पीना सब मुफ्त, ये मेरा कसूर है। जो ये केजरीवाल ने पहले दिल्ली में सरकार बना ली, फिर पंजाब में सरकार बना ली, फिर गुजरात में इसके एमएलए आ गए, फिर गोवा में एमएलए आ गए, अभी हरियाणा में सरकार बना लेगा, तो मोदी जी को लगा इसको रोको। रोकने का क्या था, मैंने मोदी जी को कहा प्रधानमंत्री जी मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप इतने बड़े आदमी हो, प्रधानमंत्री हो, इतना पैसा आपके पास, आप 5,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, तब तो आपकी वाहवाह है। आप ये गलत बात है कि नहीं है? मोदी जी की वाहवाह तो इस बात में है, केजरीवाल ने 700 स्कूल बनाए दिल्ली में, आप 70,000 स्कूल बनाओ ना देश में, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, आप 70,000 स्कूल बनाओ, सारे बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, तब तो आपकी वाहवाह। आप केजरीवाल को जेल में डाल के सर केजरीवाल के 700 स्कूल बंद करना चाहते हो, ये शोभा नहीं देता हमारे देश के प्रधानमंत्री को, ये जनता इसको नहीं पसंद करती। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब?